एक ऐसे बाबा जो चावल से जान लेते हैं सबका भविष्य, एक ऐसे बाबा जो सिर्फ चावल लेकर लोगों की परेशानी बता देते हैं, एक ऐसे बाबा जो महज चावल से इंसानी परेशानियों का इलाज कर देते हैं। जी हाँ, ये बाबा हैं छत्तीसगढ़ के सक्ती में रहने वाले आचार्य नयन नरेंद्र शास्त्री, जो किसी इंसान के घर से आए चावलों को देख कर उसकी परेशानी जान लेते हैं और साथ ही उसका निवारण भी कर देते हैं, जिसके चलते राज्य में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चावल वाले बाबा के चमत्कार के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे हैं और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि आखिरकार चावल से भविष्य बताने वाले बाबा नयन नरेंद्र शास्त्री की सनोखी कला से लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, साथ ही सभी की समस्या का समाधान भी हो रहा है और इसी वजह से शायद अब बाबा से मिलने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। मैं गुरुदेव के सानिध्य में आकर के चावल से भूत भविष्य बताने के लिए प्रयासरत रहता हूं और चावल को देख करके लोगों का समस्या का निराकरण एवं निवारण बता करके उनके निवारण किया जाता है। आचार्य नरेंद्र शास्त्री के पास लोग अपने घर से एक मुट्ठी चावल और लाल रंग के मदार का फूल लेकर जाते हैं, जिसे देखते ही आचार्य नरेंद्र उनका नाम जन्म तिथि के साथ साथ उनके जीवन की बातों का रहस्य भी जान लेते हैं। बता दें कि आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री पिछले 18 सालों से भोजन का त्याग कर चुके हैं और केवल लाल चाय और पानी पीकर ही अपना जीवन जी रहे हैं। वहीं इस रहस्य को लेकर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये फैसला उन्होंने हठ धर्मिता के कारण लिया है। आचार्य ने बताया कि बचपन में वो और उनका परिवार काफी गरीब था। उनकी माँ दूसरों के खेत में काम करके उनको पढ़ाई के लिए पैसे भेजा करती थी और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया, जिसकी वजह से आज तक वो केवल पानी और चाय पीकर ही जीवन यापन कर रहे हैं। एक गरीबी से ऊंचाई तक अभी पहुंचे हैं और जब गरीबी में रहता है या कोई गरीब रहता है तो ही उनके अंदर हठ आती है और जिनके अंदर हठ आता है उनके अंदर ही कोई सिद्धियां प्राप्ति होती है। और जीवन की कहानियां इतनी गरीबियों से गुजरे हैं। एक समय ऐसे भी थी कि मेरे माता जी दूसरे के यहाँ खेती करती थी, काम में जाया करती थी, जो भी उसमें धन या पैसा मिलते थे उसमें हमको राजिम या बनारस में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा करते थे। आचार्य नरेंद्र शास्त्री अपने चमत्कार और सिद्धि के लिए तो जाने जाते ही हैं, साथ ही उनके दान धर्म की वजह से भी लोगों ने उनको अपने दिलों में बसा रखा है। आचार्य नरेंद्र बताते हैं कि वो जहाँ भी पूजा पाठ या भागवत के लिए जाते हैं वहाँ उन्हें चढ़ावा मिलता है, जिसे वो गाँव की निर्धन कन्याओं को दान दे देते हैं, जिससे उनकी शादी में सहयोग किया जाता है। वहीं आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री से आम लोगों के अलावा बड़े बड़े राजनेता भी अपनी राजनीति के लिए भविष्यवाणी करवाते हैं। नरेंद्र नयन शास्त्री का दावा है कि उन्होंने आज तक जितनी भी चुनावी भविष्यवाणी की है वो सच निकली है। मेरे पास में ऐसे कई लोग आए हैं, चाहे वो पार्षद लेकर हो, चाहे विधायक लेकर हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, जिनका हमने कागज में पर्ची लिख देते हैं कि आप इतने वोट से जीतोगे, और जिनका जीत का योग नहीं रहता उनको बोल भी देते हैं कि आप हमारे पास दरबार में आशीर्वाद लेकर के जाइए, या तो आप चुनाव मत लड़िए या तो आप हार जाएंगे। हाल ही में धर्मगुरु आचार्य दिनेंद्र शास्त्री देश में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी भूत बाधा भगाने की शक्ति को लेकर अभी तक लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। वहीं इसी बीच आचार्य नयन शास्त्री का चावल देखकर भूत भविष्य बताना क्या वाकई सच है या फिर ये कोई अंधविश्वास की नई कहानी है? न्यूज वॉच इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के सक्ती से देवेंद्र रात्रे की रिपोर्ट।